प्रियंका गांधी की आंधी आखिरकार कहां जाने वाली है, किसको ले डूबेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें, महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी मेगा रोड शो करने जा रही हैं। लखनऊ में 9 घंटे का मेगा रोड शो होगा और इसमें लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब मैं चाहूंगी जो पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे उनका भी स्वागत कर देती हूँ। लगातार हमसे जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या मत है, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी लेते जाएंगे। मैं स्वागत करूंगी, हमारे साथ एके मिश्रा जी हैं, पॉलिटिकल कंसल्टेंट हमारे साथ हैं। आपके साथ आपका स्वागत है एफएम न्यूज पर सर। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, बीजेपी नेता, आपका भी स्वागत है एफएम न्यूज पर। वहीं पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। आप चारों का स्वागत करती हूँ। पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी कि बीजेपी की ओर से आखिरकार इसको लेकर किस तरह से सोचा जा रहा है। प्रियंका गांधी सामने आ चुकी है, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की आंधी है, पता नहीं किसको ले डूबे, कैसे किस तरह ले रहे हैं सर आप? नहीं, हमें किसी आंधी से डर नहीं लगता, ना बल कोई भय है जी। प्रियंका जैसे नेता बहुत आए चले गए, हमें कोई नहीं, अपना हमारा काम और हमारी प्रतिक्रिया काम की अलग ही है। हम ना तो कुछ सोच और विचार हमारे मन में कुछ नहीं है इस विषय में। ठीक है, उनका पार्टी की महासचिव बनाई है, उनका अपना रोड शो है और अच्छी बात है अगर प्रियंका जी, क्योंकि ये तो पारिवारिक पार्टी है ही, इसमें कभी उभर के कोई आया नहीं, जो उभर के आया उसका पता ही नहीं लगा। नहीं तो आज गांधी परिवार के अलावा और भी चेहरे नजर आते, जैसे बहुत वरिष्ठ नेता थे राजेश पायलट जी, जिन्होंने पार्टी संगठन के लिए बहुत रात दिन काम किया राजीव जी के बाद। माधवराव सिंधिया जी जैसे चेहरे थे जिन्होंने राजीव जी के बाद खड़ा करने के लिए बहुत संघर्ष करा, आज उनके बच्चे और वो खुद कहीं नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टी है। पारिवारिक पार्टी को देखिए ना, महासचिव तो ज्योतिराव सिंधिया जी भी बने, अगर उनकी भी रोड शो होता तो कुछ अलग नजारा होता, क्योंकि वो गांधी नहीं लगता उनके पीछे, ये बड़ी विडंबना है। चलिए परिवारवाद को लेकर आपने जहां हां, परिवारवाद तो जनता देख रही है। चलिए वापस आपके पास आऊंगी, पहले एक एक करके पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर बहुत जरूरी है, लेकिन अभी मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगी। एके मिश्रा जी क्या कहेंगे इसको लेकर, प्रियंका गांधी की आंधी समझे या फिर अभी सिर्फ जो है चुनावी मोड दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरे बीजेपी के मित्र जो अभी बोल रहे थे, मैं असहमत हूँ। उनका अपना ये पॉलिटिकल जो है स्टेटमेंट होता है, फैक्ट ये है कि आज जितना जनता देखेगी उससे कहीं ज्यादा, हमसे आपसे ज्यादा जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके स्ट्रेटजिस्ट, उनके नेता इस रैली पे निगाह लगा के रखे होंगे उनके ऑफिस में। ये सत्य है सर, कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे। आप अपने हेड ऑफिस में जाके पूछिए किस तरीके से एक एक पल की रिपोर्टिंग होगी वहां पे। हाँ ठीक है, हाँ तो हम इस पर बहस भी करेंगे, लेकिन पहले एक रिएक्शन ले लेते हैं सर। मुद्दे पे आने दीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, कांग्रेस को एक नए चेहरे की तलाश थी। आप ये देखिए, बीजेपी में जब मोदी जी को लॉन्च किया गया था तो चुनाव को जीतने के लिए होने को तो आडवाणी जी भी बहुत पुराने चेहरे थे, उनको हटा करके मोदी जी को आगे किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जवाब लेंगे, रणनीतिक पहल थी बीजेपी की, कुछ चाहत थी और उसका फायदा मिला। यही देखिए, सपा बसपा का 2-3 महीने पहले जब गठबंधन हुआ था, कांग्रेस को नहीं पूछा था, तो मैंने एक एनालिसिस की थी। मैंने बोला था कांग्रेस को शायद अब बैसाखियों का, गठबंधन की बैसाखियों का, दूसरी पार्टियों की बैसाखियों का सहारा छोड़ करके अपने आप को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, शायद वो भविष्यवाणी अब मुझे सत्य प्रतीत हो रही है। किसी बैसाखी की जरूरत नहीं, आप ये कहना चाहते? चलिए मैं वापस आऊंगी, इस पर हम ओपनली बहस करेंगे, बात करेंगे, लेकिन पहले मैं सपा की ओर से रिएक्शन लूंगी। सर किस तरह से ले रहे हैं इसको आप, मनोज यादव जी? निश्चित तौर पे स्वागत की योग्य है। किसी अगर एक नए और यूथ कांग्रेस में एंट्री हुई है तो उनका स्वागत करना चाहिए और मैं उनका स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आज की रैली की जो उन्होंने फिक्स की है उसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, भारतीय राजनीति में एक बात को समझना पड़ेगा हमेशा नीतू जी, इस चीज को कि कोई जब भी लॉन्च होता है, कब आता है, तो उस पर तमाम सारी प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दल करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कोई प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुमत में नहीं आ जाएगी, कोई प्रियंका गांधी के ना आने से कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर भी नहीं थी, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता किसी को अपना चलने का जो विचार है ना सर, कहीं ना कहीं डुबा देता है। या तो आप उनके साथ रहिए या उनसे अगेंस्ट हो जाइए, ये दो नाव में चलने का जो एक विचार होता है ना, ये लेकर चले आते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी, रजा रिजवी जी किस तरह से समझें, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर हम इसको समझें किसकी जमीनी हकीकत को, तो क्या संजीवनी देने का काम कर पाएंगे प्रियंका गांधी? देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि जो प्रियंका गांधी को इस समय पे उतारा गया है, ये टाइम फैक्टर ठीक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? 10 साल पहले प्रियंका गांधी लाओ
बता रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, प्रियंका गांधी लाओ पूरा हल्ला था 10 साल पहले पूरे देश के अंदर हल्ला था, प्रियंका लाओ प्रियंका लाओ। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं बनी थी, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब पहले लाना चाहिए था। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले लाना चाहिए था, देरी कर दी है, ये बहुत देर में लाए, पहले लाना चाहिए थे, बहुत देरी कर दी। और उनके कील काटे सब दुरुस्त हैं। आप देखिए आपके विजुअल जो मोहसिन दिखा रहे हैं, खाली मैं देख रहा हूँ होल्डिंग सब लगे हैं, भीड़ कहीं नहीं दिख रही है नीतू जी, आप देखिए भीड़ नहीं है। तो हमें लगता है कि प्रियंका का कार्यक्रम कहीं फुस ना हो जाए। 9 बजे आना था उनको यहाँ, उन्होंने पता किया कि अभी भीड़ नहीं आई है, तो राहुल गांधी ने प्रोग्राम बनाया कि भाई आंध्रा भवन हमें जाना है, वहां धरने पे बैठे हुए हैं, उस कार्यक्रम में हम जाएंगे। तो वहां जाकर के आंध्रा का प्रोग्राम नहीं था जाने का धरने पे, लेकिन वो जाने का हुआ उसके बाद वहां से निकलने का, क्योंकि जब पता चला कि यहाँ भीड़ नहीं जुट रही है तो इसलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। तो जाहिर सी बात आप देखिए भीड़ नहीं दिख रही, मैं आपका सब विजुअल देख रहा हूँ। तो ये टाइम फैक्टर का एक राष्ट्रीय महासचिव है, उसको आपने उत्तर प्रदेश का पूर्वी का बना दिया इंचार्ज, ये क्या है भाई, राष्ट्रीय महासचिव है, बड़ी बड़ी चीज है। मतलब ये आप प्रियंका गांधी को क्या बताना चाहते हैं कि मतलब वो उसका कद काठी बहुत छोटा है। तभी तो दुर्गा का अवतार बता दिया ना पोस्टर में, देखिए सर दुर्गा का अवतार बता दिया है, इंदिरा इज बैक के नारे लग रहे हैं, और लंका दहन के लिए किस तरह से राक्षस का संहार करना है, तमाम ये इस तरह के जो नारेबाजी है, जो कोट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। अब आप समझिए इंदिरा जी के टाइम में ओपन करते हैं, डिबेट ओपन करेंगे, हम चाहेंगे सभी लोग इस पर अपना अपना रिएक्शन दें। हाँ अगर मैं प्रदीप जी इसको समझने की कोशिश करिए, आपके क्षेत्र में जाकर सेंधमारी करने की कोशिश है, सीधे चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। देखिए मैं छोटा सा रिजवी जी जो कह रहे हैं, हाँ। वाकई में बहुत एक सोचने वाली बात है, एक महासचिव हाँ। बहुत बड़ा पद है पार्टी का, हाँ। केंद्रीय नेतृत्व से आ रही हैं, और उनके लिए जो उन्होंने कहा है कि होर्डिंग पोस्टर लगाना, तो खैर पार्टी लगवाती है, पार्टी ने अपना पैसा लगा के जो भी कार्यकर्ता हो गया, पार्टी ने जो भी अपना कार्यालय सजाया है ठीक है, मगर जो भीड़ है, जो एक जनता को चाहिए उन्हें, उसकी जरूरत है जो नजर नहीं आ रही है। और बिल्कुल रिजवी साहब से लाइटली नहीं ले सकता ना, देखिए उन्होंने कहा कांग्रेस के लीडर सामने आते हैं और कहते हैं, सुनिए सर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हमने तो पूरे प्रदेश जो यहाँ पे लखनऊ में पूरी तरह से पोस्टर से पाट दिया है, सिर्फ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व है, तो क्या इशारा उनका कहीं और नहीं चाहता वो दिखाई दे रहा। देखिए गांधी परिवार एक स्टार प्रचारक भी है, और नहीं कोई ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी को नई कांग्रेस में है, पहले भी काफी लंबे टाइम से अपनी सोनिया जी के लिए राहुल जी के लिए और प्रचार प्रसार करती आई है, 10 साल से काम कर रही है ठीक है, आज नया चेहरा कहा जा रहा है पार्टी के अंदर, मगर चेहरा बड़ा पुराना है और पार्टी में काम करती आई है, मगर क्या है साइलेंट रूप से। देखिए ना अभी जो 3 राज्यों में इनके जो मुख्यमंत्री बने, छोटे दिल के हैं जी, ये भारतीय राजनीति में किसी के पदार्पण का पार्टी में आने पे स्वागत करने के लिए इनके पास 2 शब्द नहीं है, ये नकारात्मक पार्टी में पहले है ही वो, पार्टी में तो मनोज जी पहले है ही, इन्होंने मनोज जी पार्टी में पहले है ही, पहले आपके संज्ञान के लिए यही बता दो, 3 मुख्यमंत्रियों का आपस में मनोज जी 3 मुख्यमंत्रियों का जो जो 3 मुख्यमंत्रियों के नाम चुने गए प्रमुख था से उस बैठक के अंदर किसी भी सोनिया प्रियंका गांधी बोलेंगे सर तो जनता भी सुन पाएगी। मनोज जी मनोज यादव लगता है कि क्या आपको ज्ञान हो कि 3 मुख्यमंत्री जो चुनने थे जो 3 दिन तक जो ना कार्यक्रम चला चुनने का, उसमें प्रमुख रूप से प्रियंका गांधी का हर बैठकों में होना बहुत जरूरी था और करा गया। ये भी आपको पता है कि प्रियंका जी ने गहलोत जी को बनाया, सुनिए मेरी बात, आप जो नया चेहरा कर रहे हैं ये चेहरा फीका चेहरा है, बहुत जागरूक है, क्यों नहीं दे रहे हो मनोज यादव जी इसका जवाब देंगे क्या, कांग्रेस को साथ में क्यों नहीं लिया, क्या आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर कि आप प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करने के बाद कहीं ज्यादा ताकत बढ़ती हुई नजर आ सकती है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का चुनावी संकल्प लिया गया है उससे ही बीजेपी को पार पाना मुश्किल है। रही कांग्रेस को साथ क्यों नहीं लिया, इस सवाल से क्यों जब बच रहे हैं, बड़ा दल है हम क्यों बच रहे हैं, कहां हम बच रहे हैं भाई, कांग्रेस इनके साथ नहीं गई, क्या कहेंगे क्यों नहीं लिया साथ में, या फिर ये इंतजार किया जा रहा है कि अभी तो देखिए अगर समय बताएगा चुनाव इनके पक्ष में भी दिखा तो हम साथ में ले लेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव था, समाजवादी पार्टी गोडवाना के साथ लड़ी है, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी है, BSP जो है छत्तीसगढ़ में जोगी के साथ लड़ी है, कांग्रेस ने इनको नहीं लिया, सुधार लीजिए नीतू जी आप जी। रजा रिजवी जी क्या समझे इसको, सुधारिए नहीं सुनिए इस बात को सुनिए, कांग्रेस को साथ लेते हुए औपचारिक ऐलान तो नहीं किया गया ना,
क्यों नहीं समझते हैं इसको? क्या ठीक है पीछे से अभी इंतजार किया जा रहा है कि जब चुनाव में वोट प्रतिशत सामने होगा, जब लोग सामने होंगे तो? नीतू जी बताइए आप, सपा बसपा नहीं, कांग्रेस ने 3-5 राज्यों के चुनाव में बताया कि हम आपके साथ चुनाव एमएलए का नहीं लड़ रहे हैं, तो इनको पता था कि कांग्रेस हमारे साथ नहीं लगी। कांग्रेस लोकसभा नहीं देख रही है, कांग्रेस जमीनी हकीकत से विधानसभा देख रही है। प्रियंका को उतारने का यही एक मूल मंत्र है। लेकिन यहाँ नीतू जी को वोट मिलता है वो जात बिरादरी के वोट से मिलता है। आप इस पर भी मैं आऊंगी, इस पर भी मैं आऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोशिश की जाएगी ब्राह्मण वोट बैंक को साथ देगी, गैर जाटा वोट को साथ देगी। वापस आऊंगी सर, एक मिनट, उससे नहीं मिलता। प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के पीछे एक तीर से कई शिकार, कांग्रेस लगातार हाशिए पे जा रही थी और जो इनके अपने ही अलायंस में क्षेत्रीय पार्टियां हैं आर्म ट्विस्टिंग कांग्रेस का भी कर रही थी, कांग्रेस को समझ में आ गया। देखिए होना क्या क्या है, कांग्रेस ने ये क्यों किया, इसके पहले सोनिया गांधी जी सारी चीजें देखती थी, अब वो अस्वस्थता या एज के कारण उन्होंने ये पूरा ट्रांसफर कर दिया प्रियंका गांधी और इनके हाथों में राहुल गांधी के। पहला तो टारगेट ये है। दूसरा टारगेट ये है, मैंने आपको बताया भारतीय राजनीति में विपक्षी लोग हमेशा कांग्रेस से पूछते रहते थे एक चेहरा एक चेहरा। आडवाणी जी को जिनके ऊपर कुछ आरोप थे उनको हटा के मोदी जी को जिस तरीके से ला करके बीजेपी को संजीवनी दी गई, ठीक यही काम यहां पे प्रियंका गांधी को किया जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा टारगेट, सर एक मिनट मुझे कर ले, मुझे दो लाइन और बोल लेने दीजिए, तो नहीं नहीं अभी बाद में ऐड करिएगा, बाद में ऐड करिएगा। तीसरा सुनिए, एक मिनट सुनिए, वो आप आरोप प्रत्यारोप लगाइएगा, जांच करिएगा, मेरा उससे मतलब नहीं। तीसरा सबसे बड़ा काम ये कर रहे हैं, देखिए कॉम्पिटिशन विद इन कॉम्पिटिशन, इंटरनल जो कॉम्पिटिशन कांग्रेस को मिल रहा था, कांग्रेस के सबसे बड़े जो उनके पैर खींचने वाले थे, कॉम्पिटिशन या चुनौती मिल रही थी वो उनके सहयोगी दलों से मिल रही थी, सपा बसपा से, तो सहयोगी दलों को भी कहीं ना कहीं जो है घेरे में लेने के लिए उनके ऊपर दबदबा बनाने का भी काम ये प्रियंका गांधी के थ्रू करेंगे। एक जो चेहरे की मोदी के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा बीजेपी को कॉन्टेंट करने के लिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे सुटेबल है, क्योंकि अभी कोई दाग नहीं है, उनका प्रेजेंटेशन, उनका अपीलिंग पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, लोगों का जो परसेप्शन एक इंद्रा की तरह बन रहा है वो ठीक है, पब्लिक अपने आप परसेप्शन जो है डेवलप करेगी, परसेप्शन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक ना हो जाए। मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली मुझे लग, देखिए हार जीत अभी प्रियंका गांधी ऐसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे लॉन्चिंग होती है, एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, लेकिन इसके मेजर ग्रेटर गेम प्लान क्या है ये चीज मैं आपको बताता हूं। अगर कांग्रेस ने अच्छे तरीके से प्रियंका गांधी की लॉन्चिंग कर दी तो प्रियंका गांधी जो है एक पॉलिटिकल कैटालिस्ट की तरह यहां पे जो है रोल प्ले करेंगी, जो कि पूरे के पूरे भारतीय राजनीति हो सकता है 2019 में बीजेपी का जो 400 प्लस या 300 प्लस का जो फॉर्मूला है वो सक्सेस ना हो पाए, वो बहुत कुछ कंटेंट कर दे। तो मल्टीपल एंगल से देखा जाए तो कांग्रेस के पास एक ही रास्ता बचा है कि प्रियंका गांधी को मल्टी एंगुलर बेनिफिट के लिए, मल्टी एंगुलर क्या है, एक तो जो मेन अपोनेंट है यानी बीजेपी प्लस को जो है कंटेंट किया जाए, दूसरा यह है कि इंटरनल फाइट जो हो रही है समाजवादी पार्टी बसपा क्षेत्रीय दल अलायंस के जो लोग इनको प्रेशर डालते हैं कांग्रेस उसके कारण भी आगे नहीं बढ़ पा रही, उनको भी साइड किया जाए। तीसरा ये है कि कांग्रेस के जो सारे रॉबर्ट वाड्रा जो आज जो ईडी में और जो घोटालों में फंसे हुए है ना, कहीं उसका ध्यान भटकाने के लिए प्रियंका जी को, क्योंकि राहुल जी भी जमानत में कहते ना, राहुल जी जमानत पे, राहुल जी जमानत पे, मिश्रा जी राहुल जी जमानत पे, सोनिया जी जमानत पे, कोई तो बारिश चाहिए ना कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी कोई तो बारिश चाहिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए दूसरा भी कारण है, दूसरा कहीं और भी है कि रॉबर्ट वाड्रा केस के मामले में प्रियंका को आगे लाने का कारण भी यही है कि कहीं राहुल वाड्रा को, कहीं करो कहीं पे वाड्रा को, कहीं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जनता को समझ नहीं पाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं एक सवाल का सोचा, मेरा एक सवाल सुन लीजिए पहले, मेरा सवाल ये है परसेप्शन बदलने में लोगों का समय नहीं लगता है, आप समझिए इसकी गंभीरता को। एक मेगा शो करने के लिए वहां पर जा रही है, पूरी तरह से चुनौती दे रही है सीएम योगी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इतना सीरियस लेना चाहिए कि आपको नहीं लगता कि इतना लाइटली लेना इसका इतना अच्छा नहीं रहेगा, मतलब आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा? जब इनके राष्ट्रीय महासचिव बोलेंगे ये जरूर बोलेंगे कि देखिए मेरे हस्बैंड को गलत
क्या नाम गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में या दलाली में, जमीन में, बता रहा हूँ मैं, ये कई फंसाए ये चीजें आएंगी जरूर निकल, क्यों कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो रहा है वो काफी चल रहा है, चल रहा है वो केस, वो जो चल रहा है, ये बताइए प्रियंका गांधी जी को, प्रियंका गांधी को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महासचिव बनाने का कारण ये भी है क्योंकि सोनिया जी और राहुल गांधी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कहीं ना कहीं वो कानून के कटघरे में चल रहे हैं। कानून कब क्या चीज बता दे, कब अंदर भेज दे, कब बाहर कर दे, पता नहीं है, क्योंकि इनको एक चेहरा चाहिए, क्योंकि सारे के सारे आज की डेट में जमानत में घूम रहे हैं। कानून बहुत सख्त है, कोर्ट ने बहुत निगाह दे रखी है, कुछ पता नहीं कब अंदर हो जाए, तो उन्हें भी एक चेहरा चाहिए। सवाल किया सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मनोज यादव जी किस तरह से लेंगे इसको, क्योंकि आप देखिए प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं अगर वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं या उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिला ताकत को लेकर, महिला वोट बैंक को लेकर सेंध नहीं लग जाएगी, क्योंकि मायावती अब तक थी सामने, ममता बनर्जी थी सामने, लेकिन अब एक चेहरा और सामने आ गया है, वो है प्रियंका गांधी। तो लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं अब जो महिलाओं का वोट बैंक है वो थोड़ा छिटक जाएगा? देखिए नैन्सी जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करूंगा, उसमें मेरे ख्याल से आपको और आपके दर्शकों को इस बात की समझ कायदे से आ जाएगी। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बीजेपी से दो तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, एक 2012 का चुनाव परसेंटेज, जिसका परसेंटेज अगर तीनों पार्टियों का मिला दीजिए तो 58.5-59 के करीब होता है, और अगर हम हारा हुआ मिला दें 2017 का, जो हारा हुआ वोट परसेंटेज था, अगर उसको मिलाते हैं तो वो बनता है लगभग 47% के आसपास। बीजेपी की कितनी ताकत है कि इस वोट परसेंटेज को क्रॉस करेगी? ठीक है, रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि वो बीजेपी के सामने पूरी ताकत से लड़े, और कम से कम ये ना कहने को रहे हारने के बाद कि बीजेपी कहे कि सारे इकट्ठा होकर चुनाव लड़े थे। निश्चित तौर पे वोटों का बंटवारा होगा, वोटों के बंटवारे से अगर बीजेपी फायदा ले सकती है तो ले, लेकिन हमारा जो हारा हुआ वोट परसेंटेज है 47, वहां से हमारी शुरुआत होगी, गिनती इसके बाद कहां तक जाएगी ये मई में आपको पता चल जाएगा, इसलिए हम आश्वस्त हैं। आपको बताऊंगा रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रियंका गांधी को कुर्मियों, ब्राह्मणों, गैर ठाकुर सवर्णों का समर्थन कहीं ना कहीं एक बार फिर से हासिल करना होगा, ये एक जिम्मेदारी तो उनके ऊपर होगी ना। और ऐसे में लग रहा है कि अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर नाराजगी तो है बीजेपी से, ये तो दिखाई दे रही है। देखिए कांग्रेस के जो मूल वोटर थे वो पूरे देश को जानना चाहिए, ब्राह्मण थे, मुसलमान थे और हमारे दलित भाई थे, और ये तीनों वोटर एक साथ जब कांग्रेस के साथ जुड़ते थे तो पूरे देश में कांग्रेस 50 साल से खड़ी रही, लेकिन धीरे से दलितों की पार्टी मायावती ने मजबूत कर लिया और मुसलमान और यादव की पार्टी मुलायम सिंह यादव ने मजबूत कर लिया, और यही कारण है कांग्रेस के जो मूल वोटर थे वो कांग्रेस से चले गए। वोटर अगर नहीं साथ पाएगा कोई पार्टी, वोटर को साधना जरूरी है, पंपलेट और पोस्टर और कार्यालय फूल माला सजा दी, उससे कोई मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको अपने वोटर को गोलियाना है, आप अपने वोटर को कैसे अपने पक्ष में रख सकते हैं बराबर, और वोट देते टाइम भी उसको अपने पक्ष में रखे रहें, ये सबसे बड़ी पार्टियों की जीत होती है। तो जातिगत गुणाभाग के अलावा भी कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर की जाएगी। प्रियंका गांधी का मेगा रोड शो शुरू होने वाला, लेकिन उससे पहले इसकी बारीकी को हम समझ रहे कि आखिरकार प्रियंका गांधी को सामने प्रोजेक्ट क्यों किया गया है, प्रियंका गांधी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई है, लेकिन इसको समझना होगा। मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी आपके जरिए भी, क्यों आप इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं इसको। देखिए एक तरह तो ये जिम्मेदारी बनती है कि देखिए नहीं, कहीं ना कहीं नाराजगी तो है आपसे, ब्राह्मणों की नाराजगी आपसे है, SC ST एक्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके पलट आप गए, उसकी नाराजगी भी है। किस तरह से अगर हम प्रदेश की बात करें, वहां पर जो जाटव है उसका वर्चस्व जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, गैर जाटव या जाटव की बात करो तो वो नाराजगी भी है। इसको समझना होगा कि कहीं ऐसा ना हो ये वोट बैंक एक जो रास्ता ऑप्शन जो चाहता है कि ऑप्शन सामने आ जाए वो ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि सपा बसपा की ओर अगर ऑप्शन नहीं जाता है तो कांग्रेस तो सामने है ना, चिंता नहीं लग रही आपको? कि ऐसा है, चिंतन जरूर हर चीज़ की होती है, ठीक है। प्रियंका जी आ रही हैं, अपने पार्टी का रोड शो करेंगी, हर पार्टी करती है, चाहे वो कोई दल हो अन्य दल हो, हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ें लोगों का कुछ दिन के लिए ध्यान भटकता है,
बाकी देखिए चुनाव का टाइम है, माहौल चुनाव बन रहा है, सब हमारी के सब पार्टियों की निगाह है, प्रियंका जी क्या कहती हैं, किस तरीके से रणनीति बनाती हैं, हम लोग भी अपनी रणनीति जो हमारी बनेगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो काम करेगा उसके भी ध्यानपूर्वक है। ठीक है, पार्टी ने एक सोनिया जी का इतना बड़ा कहना प्रभारी बनाया है पूर्वांचल का और उन्हें वहाँ भेजा जा रहा है, तो थोड़ा सा देखिए गांधी परिवार स्टार प्रचारक तो है ही, और उस नाते उनको जो भेजा जा रहा है जनता जरूर देखेगी, क्योंकि प्रियंका जी तो प्रियंका जी हैं और हर जनता देखती है, चाहे वो किसी दल के भी खड़े हो रोड पे, चाहे वो जनता हो, निकलेगा रोड से तो देखेगी। अच्छा है, मगर ये है, ठीक है, हमारा भी खैर देख विचार तो है ही, बाकी तो रणनीति में जो होगा। देखिए आपका जो रुख है वो समझ आ रहा है कि मिश्रा जी और रजा रिजवी जी आप दोनों के इससे इस पर पॉइंट लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अगर हम समझे इसको, नोटबंदी आई, व्यापारी जो है कारोबारी जो है पहले खुश था बीजेपी से, लेकिन जैसे नोटबंदी आई, जैसे ही जीएसटी आई, उनकी नाराजगी सामने आती हुई नजर आई, बहुत से लोगों ने अपने आप ही दूरी बना ली भगवा रंग से, भाजपा से हम बात करें तो क्या लगता है कि इसका इस एंगल को समझें तो क्या प्रियंका गांधी के फेवर में जाता हुआ नजर आ सकता है, या फिर एकमात्र हम समझे कि सिर्फ एक शो मात्र है? नहीं नहीं नैंसी, देखिए मुझे लगता है कांग्रेस गंभीर है, हालांकि अभी दिल्ली काफी दूर है। मैं ये बोलना चाहूंगा आगे अगर इन्होंने अच्छा काम किया तो प्रियंका गांधी डेफिनेटली एक ऐसे पॉलिटिकल ट्रिगर की तरह यहाँ पे काम कर रही हैं, जो कि देखिए चर्चाएं शुरू हो गई, आगामी इलेक्शंस को और भारतीय चुनाव की पूरी दशा और दिशा बदल जाएगी अगर ठीक से आगे काम किया। क्या आपका इशारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर? दूसरी तरफ मैं बोलता हूँ, बिल्कुल, देखिए होता क्या है, इंदिरा गांधी के बाद अगर देखा जाए तो रोकना चाहूंगी, इस वक्त लाइव तस्वीरें सामने आ रही है और काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, जो भी अपडेट है, तो तस्वीरें हैं, काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो इंदिरा युग के बाद अब प्रियंका युग की बारी है क्या, यह सवाल लगातार बना हुआ है। तस्वीरें सामने, कांग्रेस महासचिव का पद संभालने के बाद पहली बार सोमवार यानी कि आज प्रियंका गांधी लखनऊ में, राजधानी सूबे की राजधानी लखनऊ में एक मेगा रोड शो करने जा रही है और तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। के मिश्रा जी अपनी बात को कंटिन्यू करें, क्या महिला सशक्तिकरण के जरिए, क्योंकि एक महिला फेस सामने होगा, मायावती ममता बनर्जी ये दो फेस ऐसे थे कि लग रहा था कि विपक्ष के पास बिल्कुल अगर महिला वोट की अगर बात की जाए तो वहां जाता हुआ नजर आ, लेकिन अब एक और जो है ऑप्शन सामने है। नैंसी देखिए आपकी बात सही है, शीर्ष नेतृत्व में अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी के बाद जो है शायद प्रियंका गांधी शीर्ष नेतृत्व में आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये चीज देखा जाए कि प्रियंका गांधी का एक और बहुत बड़ा रोल होगा जो कांग्रेस उस टारगेट को पूरा करना चाहती है, राजनीति में महिलाओं का जो अभी वर्चस्व है, जैसे ममता बनर्जी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, मायावती जी हैं, इन सब का भी जो है प्रभुत्व जो है प्रियंका गांधी के आने के कारण कम होगा, किसी न किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचेगा, इसका फायदा कांग्रेस को जाएगा। सुन रहे हैं, और एक चीज और है, देखिए महिलाएं भी अपने आप को कोरिलेट करेंगी प्रियंका गांधी, देखिए ये एक चुनावी चुनौतियां हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि कांग्रेस एकदम से 500 में से 400 सीट ले जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, सपा बसपा हार जाएगी, वो आगे कैसा काम होता है, लेकिन महिलाएं देखिए इंदिरा गांधी के टाइम पे भी ये बोला जाता था, घर में भी बोलते थे लेडीज को कि भाई आपकी सरकार है, यानी महिला जो है प्रधानमंत्री थी, तो पब्लिक के परसेप्शन को डेवलप करने का, परसेप्ट करने का अपना अपना तरीका होता है, बशर्ते इन्होंने अच्छे तरीके से अगर स्ट्रेटजिक वे में किया तो बहुत बड़ा ये गेम चेंजर पॉलिटिकल कैटालिस्ट की तरह, या आप ये बोलिए कि म्यूटेटर, पॉलिटिकल म्यूटेटर की तरह ये प्रियंका गांधी साबित हो सकती हैं, जो कि चुनाव को पलट सकती हैं। रजा रिजवी साहब क्या वाकिफ रखते हैं इस बात को लेकर, आप क्या इस बात को लेकर वाकिफ रखते हैं, और पहला सवाल भी जो मैंने आपसे किया था उसको लेकर भी जवाब लूंगी। देखिए ये सही है जो आपने सवाल किया था कि जीएसटी से जरा से असर पड़ा था, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीमे धीमे जीएसटी पे छूट देती चली गई। पहले छूट बहुत बड़ा था, 28% था, फिर 18% पे आया, तो धीमे धीमे छूट लेकर के आई, तो उससे जो व्यापारी वर्ग है वो जरा से खुश हुआ। और दूसरे जो किसानों को इन्होंने 6,000 रुपये जो है महीने देने की बात की है, 500 रुपए महीने की, 3 टाइम में देने से, इससे किसान बहुत खुश हुआ। प्रियंका गांधी का रोड शो है आज और 12 बजे ये रोड शो शुरू हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से शुरू होगा और पार्टी कार्यालय तक पहुंचेगा, लेकिन ये जो इतना लंबा रोड शो जाने वाला है, मकसद एक है, सीधा जुड़ना लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप भटनागर जी आपके पास आऊंगी, किस तरह से समझे सवर्णों को कैसे मनाएंगे सर आप, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर तो आपने बनवाया नहीं, उसी को लेकर मैनिफेस्टो में आप आए थे, अब तो कांग्रेस ने भी राग अलापना शुरू कर दिया है कि भाई हम आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, अब तो हर पार्टी के लिए राम मंदिर एक मुद्दा बन गया है, लेकिन राम मंदिर तो कहीं दिख नहीं रहा, कैसे मनाएंगे लेकिन सवर्णों को आप?
देखिए सवर्णों की बात यह है कि सवर्णों के लिए जो योजना अभी लोकसभा के अंदर जो बताई गई थी आरक्षण की वही बताई गई है। सवर्ण ठीक है, समझदार है, उन्हें सब कुछ पता है, देश कौन चलाना है, किसको चलाना है। माननीय मोदी जी के कोई आगे कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है कोई। और सवर्णों मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे जो सवर्णों को जवाब सवाल करने थे करे, और उसका भी जवाब सरकार ने बाखूबी दिया है उस चीज़ का। राम मंदिर के विषय में आपने जो कहा अभी, देखिए राम मंदिर का यह है कि जिस दिन डिसीजन आएगा, देखिए हमने मैनिफेस्टो में कहा था कि राम मंदिर के विषय में जरूर कहा था, मगर ये नहीं बनाएंगे, जो बिल्कुल बनाएंगे जनता बनाएगी, सरकार योगदान आंधी दे, जिस दिन डिसीजन आएगा तब बनाएगा, आप हम भी चलेंगे इस चीज को एक नव निर्माण में, आप और हम भी चलेंगे। सामने आते हैं आप, देखिए ना, हम भी चलेंगे। वोट के नाम पर ये हुआ, वोट के नाम पर ही कुंभ में कैबिनेट बैठक हो गई, वोट के नाम पर ही देखिए ना कुंभ में प्रियंका गांधी भी पहुंच गई आस्था की डुबकी लगाने के लिए अपने भाई राहुल गांधी के साथ। एक मिनट वापस आपके पास आऊंगी मैं, इस पर समाजवादी पार्टी की ओर से सर आपसे जो है रिएक्शन लूंगी। जब भी लग रहा था कि भाई कुंभ का दौर चल रहा है, ऐसा ना हो कि योगी सरकार इसको लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक अपने पास ले जाए या एक नंबर अपना बना ले, तो अब वहां पर जो है अखिलेश यादव भी पहुंच गए, वहां पर प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ पहुंच गई, तो लोगों को लुभाने के लिए कुछ भी चलेगा। देखिए नैन्सी जी, समाजवादी पार्टी धर्म को आस्था के रूप में सिर्फ देखती है। बीजेपी के लोग निश्चित तौर पे उसको अगर वोट के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो करें, उनका अपना राजनीतिक स्टाइल हो सकता है। वहां पर क्या करने गए थे? इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको एक लाइन में बता दूं, नैन्सी जी, क्या जितनी देर से हम आप डिबेट में हैं, इतनी देर में जो ये मोदी सरकार है, इसमें से आपने बीजेपी के नेता से प्रवक्ता से इस बात को सुना कि 2019 का चुनाव जो हम लड़ेंगे वो हम विकास के नाम पे लड़ेंगे, मोदी जी के कामों के नाम पे लड़ेंगे? एक बार भी इस बात को उन्होंने नहीं ना कहा है और ना कामों को गिनाने की कोशिश करी है, क्योंकि उनके पास बताने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग, उनसे तो मैं सवाल कर लूंगी, आपका नारा क्या है, देश बचाओ मोदी हटाओ, ये भी तो नारेबाजी सामने आती है ना, इस पर भी जिक्र कीजिए। कोई इसको अच्छा किस तरह से ले, हमारा मोदी जी से किसी तरीके का नहीं, जो पूंजीवाद की ये विचारधारा है मोदी के रूप में, क्योंकि नारा लगा था अब की बार मोदी सरकार, और सिर्फ मोदी को इस देश में फायदा हुआ है, आम जनमानस को नहीं हुआ, ना आपका ना मेरा ना हमारे साथ पैनल में बैठे हुए लोगों का फायदा, सिर्फ किसका हुआ है, पूंजीपतियों का। तो निश्चित तौर पे उस पूंजीपति वाली जो विचारधारा, इसको हमें हटाना है, और इस देश में आम जनमानस की सरकार, किसानों की सरकार, नौजवानों की सरकार, बेरोजगारों की सरकार के रूप में स्थापित 2019 में जो सरकार आएगी, उन लोगों अचानक से प्रियंका गांधी का ये रोड शो का इस ओर इशारा कर रहा है सर कि रॉबर्ट वाड्रा को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप जी, एक मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या प्रियंका गांधी को सामने लाकर मेगा शो करना क्या ये कोशिश की जा रही है कि रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है उस पर पर्दा डाला जाए, इसका जवाब दीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। अगर रॉबर्ट जी लगातार सुनवा ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, वो कई कई घंटे बैठ के अगर उन ईडी का सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें किसी तरीके का कोई वो नहीं है। हाँ, मोदी जो इस देश से भाग गए हैं वो नीरव मोदी और ललित मोदी और मोहित चौकसी और जितने सारे भाग गए हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पे जरूर भाग गए, इसमें किसी तरीके का संशय नहीं है। मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, जो ये रॉबर्ट्स वाड्रा का आप बोल रहे हैं, देखिए मैं ये तो मान सकता हूं कि भाई चुनाव के पहले, खैर ये कोर्ट का मामला है, लेकिन ये है कि ठीक चुनावी टाइम के पहले ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं, और राहुल गांधी ने खुद खुल्लम खुल्ला बोल दिया, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, उन्होंने अभी दो दिन पहले खुल्लम खुल्ला बोल दिया कि भाई आपको रॉबर्ट्स वाड्रा से पूछताछ करनी है, चिदंबरम साहब से करनी है, करिए, लेकिन राफेल पे जवाब दीजिए। तो अब इसको मैं ये नहीं समझता हूं कि ये ध्यान भटकाने का वो है, खुल्लम खुल्ला कांग्रेस के मतलब राहुल गांधी ने बोल दिया आपको जो पूछताछ करनी है रोज बुला के करिए, घर आइए जाइए जो भी है, तो ऐसा नहीं है। और ध्यान भटकाने का ये बहुत छोटा तरीका है, इससे ध्यान भटकेगा नहीं, ठीक है। हाँ, ये है कि स्ट्रेटजिक वे में प्रियंका गांधी की डिमांड बहुत पहले से चल रही थी, इसके मल्टी लेयर मल्टी फेरस बेनिफिट कांग्रेस को मिलेंगे, पांच छह लेयर, मतलब दो तीन लेयर के नहीं, पांच छह लेयर के, जो कि मैंने आपको बताए, और कांग्रेस इसको देखिए हर पार्टी तो चाहती है ना, सपा बसपा सब चाहती है हम आगे बढ़े, हमारे सामने कोई ना हो, हमें सहयोगी दलों का भी साथ ना लेना पड़े, बीजेपी भी यही चाहती है। तो
जो जितने अधूरे सपने हैं, जो टास्क है कांग्रेस को ये वो लिया जा सकता है, छूटे हुए सपने हैं, आगे क्या होगा पूरे हो पाएंगे क्या इसके जरिए कांग्रेस के, क्योंकि कोशिश तो यही की जा रही है ना, क्योंकि मेगा शो है और एक तरह से प्रोजेक्ट एक बड़ी दुर्गा के अवतार में इंदिरा इज बैक, तो क्या लग रहा है कि इसके जरिए पूरी कोशिश तो की जा रही है ना कि वापस से जो खोई हुई जमीन है कांग्रेस उसको साध ले, लगता है कामयाब हो पाएगी इसके जरिए? देखिए ऐसा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद 3 राज्यों में जो कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया है तो उसका अपना कहीं ना कहीं मनोबल ऊंचा है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन उसका लोकसभा में वो कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जिता पाते हैं ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों को 6,000 दिया है, कांग्रेस के लोग कह रहे थे बहुत छोटा पैसा है, तो हमारा कहना था कि 50 साल में जब आपकी सरकार थी तो आप भी दे देते इतना छोटा से, इतना ही छोटा दे देते, लेकिन आपने नहीं दिया। अभी 10% माफ कीजिए, मैं जब भी आपके पास आती हूँ तो कोई तस्वीर सामने आ जाती है, इसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन वापस आपके पास ही वापस आके इस पर दोबारा से विचार करूंगी। लेकिन दो तस्वीरें हम आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस वक्त की, 2 तस्वीरें दिखाते हैं प्रियंका गांधी जो कि अपने घर से निकलती हुई वो तस्वीरें, लेकिन इस वक्त 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं जिसमें दुर्गा का अवतार दिखाया गया है प्रियंका गांधी को माँ दुर्गा के रूप में, बहन प्रियंका जी, तो दुर्गा इंदिरा गांधी को भी कहा गया था, क्या वही दुर्गा वापस आ गई है प्रियंका गांधी की दूसरी इंदिरा गांधी? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियंका गांधी देश की दूसरी इंदिरा गांधी, एक तरफ जो है दुर्गा का अवतार बता दिया, दूसरी तरफ जो है इंदिरा गांधी को देश की दूसरी प्रियंका गांधी को देश की दूसरी इंदिरा गांधी बता दिया गया है। तो इन तस्वीरों पर भी हम वापस लौटकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन तस्वीरों को क्या समझना चाहिए। रजा रिजवी साहब वापस आपके पास आऊंगी, 2 तस्वीरें हैं माँ दुर्गा का रूप बहन प्रियंका जी और प्रियंका जी देश की दूसरी इंदिरा गांधी, क्या मान ले इंदिरा इज बैक? और इसके जरिए इस नारे के जरिए जिस बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे, जो आप कह रहे थे कि ठीक है चुनावों में जीत मिली है 3 राज्यों में, तो अब लग रहा है कि वाकई ये जीत अब आगे की सफलता के लिए सहायक हो सकती है। वापस आऊंगी रजा साहब आपके पास। इस बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और यहां पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कार्यकर्ता पोस्टर्स लेकर होर्डिंग्स लेकर स्वागत में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि तस्वीरें देखिए जहां पर तमाम कार्यकर्ता अब जुड़ चुके हैं और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी का पहला रोड शो है। और देखिए तैयारी, देखिए यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है कि कार्यकर्ताओं का जो जोश है किस तरह से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जोश तभी बढ़ गया जब ऑडियो क्लिप सामने आया। ऑडियो क्लिप में कहा प्रियंका गांधी ने कि मैं अब आ रही हूं आपके बीच, आपके साथ, उन गरीब लोगों के बीच में, उन महिलाओं के बीच में, सबके साथ एकजुट होकर आगे बढ़ती हुई नजर आऊंगी। तो चलिए, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदिरा युग के बाद अब प्रियंका युग, और इस युग को समझिए क्योंकि तस्वीरें जो बयां कर रही हैं उसमें कार्यकर्ताओं का जोश दिखाई दे रहा है। एक बार रूट आपको दिखाएंगे कि कहां से कहां तक ये काफिला आगे बढ़ता हुआ पहुंचेगा। एक लंबा काफिला है क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट से निकलता हुआ ये काफिला पहुंचेगा कांग्रेस के मुख्यालय नेहरू भवन तक। तो ये रूट की जानकारी आपको देते हैं, तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है लगातार प्रियंका गांधी का जो ये काफिला चलेगा, जिस गाड़ी में सवार होकर जाएंगी, इसकी शुरुआत होगी लखनऊ एयरपोर्ट से और इससे आगे बढ़ते हुए जो काफिला है उनका आगे बढ़ेगा, उनके साथ राहुल गांधी उनके साथ रहने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ। देखिए जो ये रूट है वो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, कानपुर रोड, क्योंकि बाई रूट अवध जो हॉस्पिटल है वहां से होते हुए आलमबाग चौराहा है जो है वहां पर पहुंचेंगे, फिर उसके बाद काफिला नत्था होटल तिराहा पर पहुंचेगा। तो ये बढ़ते जाएंगे इस तरह से, हुसैनगंज जो है इनका काफिला आगे बढ़ेगा और ये लगभग बताया जा रहा है 12 से 15 किलोमीटर का पूरा रोड शो है। तो लालबाग गर्ल्स कॉलेज के पास से भी होते हुए गुजरेगा डीएसओ चौराहा, इसको भी कवर किया जाएगा। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, राजभवन ये काफिला आगे बढ़ेगा, वहीं पर कांग्रेस ऑफिस फिर पहुंचकर ये काफिला समाप्त हो जाएगा। तो एक लंबी यात्रा है, अमौसी एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी और ये आगे बढ़ती हुई पहुंचेगी कांग्रेस कार्यालय पर जो कि नेहरू भवन है, वहां पर तैयारियां कैसी है वो हमने आपको दिखा दिया है। रजा रिजवी साहब वापस आपके पास आऊंगी,
लगता है वो हमारे साथ जो है अब नहीं है, हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन ए के मिश्रा जी, कैसे समझें, क्योंकि देखिए मैं एक चीज, एक बात का जिक्र करूंगी, जब सोनिया गांधी थी और जब वो चुनावी मैदान में उतरी थी, उनके चचेरे भाई उनके सामने आए थे, और तब जब वो कांग्रेस से अलग होकर प्रोजेक्ट खुद को करते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने, सोनिया गांधी ने साफ एक शब्द में कहा था, बस एक लाइन में ही कहा था कि आप उस व्यक्ति को चुनाव में ला रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, हमारे परिवार, ये आपका परिवार है, आपके परिवार के खिलाफ खड़ा हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव में लाकर जो है मत देना चाहेंगे। सिर्फ एक ये लाइन सुने गांधी को जिता गई थी, जीत दे गई थी। तो कोई ऐसा ना हो कि वही से दौर वापस आ जाए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंदिरा इज बैक। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इंदिरा इज बैक क्या है कि इंदिरा गांधी का काल कांग्रेस के लिए बड़ा स्वर्णिम काल था और बहुत सारी अचीवमेंट वहां पे हुई थी। भाई ये पीछे के 10 साल में जो गठबंधन सरकार रही है उसमें इतनी अचीवमेंट नहीं हुई जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई। कांग्रेस के लिए वो स्वर्णिम काल था, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के दिमाग में ये रिमाइंडर डालने के लिए, उनको रिमाइंड करने के लिए कि उस वक्त देखिए सरकार कैसी थी, सहूलियत क्या थी, ग्रोथ क्या थी, और एक पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करने के लिए उम्मीद, जिसको पोजिशनिंग बोलते हैं, कि भाई वो जमाना फिर से वापस आएगा। दूसरी चीज देखिए, फिजिकल अपियरेंस अगर आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी जी का डेफिनेटली मिलता है, हेयर स्टाइल वगैरह ये सारी चीजें देखिए, बोलने का जो तरीका है, हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है। इंदिरा गांधी जो है बड़ी फर्म डिटरमाइंड थी, वो उनके भाषण से इन सब चीजों से पता चलता था, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी थोड़ा सॉफ्ट है, उनकी बोलने की जो आदत है, जो फोनेटिक्स है, वो सॉफ्ट है, लेकिन बहुत सारी चीजें कोरिलेट हो रही हैं और स्ट्रेटजिक वे में इसको कोरिलेट किया जा रहा है, ओवरलैप करवाने की कोशिश की जा रही है, और ये स्ट्रेटजिक तरीके होते हैं। मैं फिर बोलता हूं, दिल्ली अभी बहुत दूर है। देखिए बीजेपी के अंदर ताकत बहुत है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, इनकी रणनीतिक क्षमता बहुत है, इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ अगर अच्छे तरीके से काम किया जाए तो डेफिनेटली ये बोला जा सकता है कि एक चेंज जबरदस्त तरीके से कांग्रेस के फेवर में जा सकता है, कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर सकती है। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने कृषि, सर आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने कोशिश तो की है कृषि के मुद्दे को लेकर, कृषि संकट को लेकर किसानों के रुख को बदलने की, किसान नाराज दिखाई दे रहा है, व्यापारी नाराज दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कितने भी बदलाव कीजिए लेकिन लग रहा है ना कि नाराजगी है। जी के मिश्रा जी, मैं वापस से प्रदीप जी के पास जाऊंगी। जी एक बार फिर से बोलिएगा। नहीं, जो राहुल गांधी कोशिश करते नजर आए हैं किसानों के दिल में जगह बनाने की, और बताया कि कृषि का संकट सामने है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की है ना कि किसानों के साथ जुड़ते हुए नजर आए हैं, तो ये कहीं संकट ना हो जाए बीजेपी के लिए। कोशिशें देखिए किसानों के साथ क्या है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत बड़ा वोट बैंक है, और सबसे ये किसान लोग जो है किसी भी चुनाव को जिताने या हराने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। पीछे के 3 चुनाव हमने देख लिए, इसीलिए ऋण माफी वगैरह हुई है सारी चीजें, तो किसान जो एक वोट बैंक है और पूरे देश भर में फैला है, कैसे उनको लुभाया जाए। प्रदीप भटनागर जी, किसान वोट बैंक है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी, किसान वोट बैंक है, इसीलिए सिर्फ अब चुनाव के दौर में अंतरिम बजट जब पेश किया गया तो यहाँ पर सिर्फ 6,000 रुपए का ऐलान किया गया, ये एक मात्र काफी होगा। मिश्रा जी शायद सोचते होंगे कि वोट बैंक वो हमारे पालन करता है, अगर किसान अगर सो जाए तो भूखे हम लोग भूखे रह जाएंगे। दूसरी चीज ये है, देखिए जो समझते हैं इसको वोट बैंक, उनको अपने आप ही सबको समझ में आ जाएगा। देखिए किसान हमारा वोट बैंक नहीं है, किसान हम खुद, हमारा देश खुद किसी को नहीं है, किसान नहीं है तो आपका वोट आता किधर से है? वोट बैंक छत्री नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, वोट बैंक की जनता है, वोट बैंक जनता है। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते मिश्रा जी, हम लोग जातिवाद राम मंदिर बार बार क्यों बोलते हैं सर? राम मंदिर आपके लिए नहीं है, सब सरकार के दायरे में चीजें आती है, काम सरकार करती है। इस FM न्यूज के माध्यम से भी जनता को यही कहना चाहूंगा कि वोट डालना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप अपने घर से निकलिए और वोट डालिए। वो ये नहीं किस को डालना है, मगर आप वोट डालें तो निकलिए। आप किसी को बना रहे हैं, ठीक है जाति की कुछ लोगों ने राजनीति करी है कुछ पार्टियों ने, मगर हम लोग ये नहीं करते। हम लोग ना, हमारे यहाँ सिस्टम है ऐसा, हम लोग बहुत समानांतर पार्टी है, हम लोग बांटी राजनीति नहीं करते हम लोग। मनोज जी, जातिगत राजनीति क्यों की जाती है, किसकी तरफ इशारा दिखाई दे रहा है? देखिए प्रदीप जी, टीवी चैनल पे मैं कहते नहीं, कहावत धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, आंखों में मिर्चा झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, और भी मिर्च पाउडर इनको शायद मेरे ख्याल से नहीं पता इनकी भी आंखों में पहुंचने ही वाला है। अब की बार मोदी सरकार की नाम से सरकार बनाने वाले मोदी किसी, मुझे नहीं लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम है, उनकी जाति है, ये दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं।
वही मैंने कहा था ना कि ठीक है निश्चित तौर पे उनका उनकी कास्ट इस देश में 15% में नहीं होगी, लेकिन एक बात तय है कि पूंजीवाद आप भी जो नाम ले रहे हैं अभी मोदी ही बोल रहे हैं, अगर पूरा नाम लेना यहाँ पे आप नरेंद्र भाई बोली ना प्रधानमंत्री राजनीति धर्म पे जाति पाति हो ये दुर्दशा है हमारे देश की। जातियों के आंकड़े साधने के लिए क्यों मौर्य जी को हटा के आपने पांडे जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, क्यों तमाम सारे नेताओं को आप लगातार वरीयता देते चले जा रहे हैं। अगर जाति वोट बैंक नहीं था तो मायावती जी को क्यों लाया गया, मायावती को क्यों लाया गया जाति वोट बैंक नहीं था तो ये बात से वाकिफ रखें क्या आप? नहीं पार्टियों के नैंसी मैं बताऊं पार्टियों के नारे होते हैं जाति के आधार पे। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो राष्ट्रीय पार्टी का भी उनको एक बार दर्जा मिल चुका है, एक बड़ा बताएंगे आप प्रधानमंत्री की रेस में किसका नाम शामिल होगा और गठबंधन तो बन चुका है, बताएंगे प्रधानमंत्री के लिए किसको प्रोजेक्ट करेंगे गठबंधन बनने के बाद? गठबंधन कर दिया है अंतरराष्ट्रीय पार्टी, गठबंधन बनने के बाद प्रधानमंत्री के लिए किसको करेंगे आप प्रोजेक्ट? ये अपना दल की क्यों जरूरत पड़ी, राजभर जी की क्यों जरूरत पड़ी इनको? सवाल से बच रहे हैं सर, राज्य सवाल से बच रहे हैं सर, तो विधानसभा चुनाव पर रणनीति है जिन्होंने कराया है। नहीं मैं नैंसी जी बिल्कुल बचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बताइए ना मायावती के साथ किसके सामने अपना दल की जरूरत है, कांग्रेस के साथ अगर जाएंगे तो अब तो प्रियंका गांधी भी सामने है, राहुल गांधी भी सामने है, जरूरत पड़ जाए इनकी किसको लाएंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, कोई नाम सामने हो? आप मेरी बात अगर पूरी हो जाने देंगे तो उसी में सारी चीजें आ जाएंगी। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी अंतरराष्ट्रीय पार्टी है वो अलग बात की, प्रधानमंत्री वो हिंदुस्तान के हैं, क्या उनको राजभर जी की जरूरत नहीं पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, या राजभर जी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? क्या वो अपना दल के साथ गठबंधन तोड़ देंगे? क्या वो शिवसेना से गठबंधन हटा देंगे? क्या शिवसेना इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी? सारी बातों को समझिए। और हमें गठबंधन की जरूरत इसलिए पड़ी है कहीं ना कहीं कि ये बीजेपी मूल रूप से जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है लेकिन वो प्रदेशिक पार्टियों से भी छोटी वोट परसेंटेज के साथ अब एक नए तरीके से चुनाव लड़ने का उन्होंने वो पैटर्न शुरू किया है, उसी पैटर्न में उनको जवाब मिले। मैं पूछना चाहूंगा ये बताइए कि अंबेडकर समाज किसके लिए बना? कांग्रेस के खिलाफ बना, ठीक है जी। लोहिया किस लिए बने? लोहिया जी किसके लिए आए? कांग्रेस के खिलाफ आए। जनता दल किसके लिए बनी? कांग्रेस के लिए बनी। वामपंथी किसके लिए बने? कांग्रेस के खिलाफ बने। आम आदमी पार्टी किसके बनी? कांग्रेस के खिलाफ बनी। अन्ना जी किसके लिए आए? कांग्रेस के लिए आए। एनसीपी आई, कांग्रेस के लिए आई। बहुजन समाज पार्टी कार्यक्रम बनी, कांग्रेस के लिए बने। देखिए ना आज अन्ना जी तो फिर से सामने हैं सर, अन्ना जी तो फिर से सामने हैं। क्या है प्रदीप जी, अन्ना जी फिर से सामने हैं, समझिए सर आप गिर जाएंगे इस पर। बैठ गए, देखिए ना आज विडंबना क्या है प्रदीप जी, आप गिर जाएंगे क्योंकि अन्ना जी फिर से सामने हैं जी। अन्ना जी फिर से सामने आ चुके हैं, फिर से डंडे पे बैठे हैं। मैं कहता हूं अन्ना जी वापस आपके पास आऊंगी और सीधे रुक करूंगी इस वक्त की बड़ी खबर का, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर का सीधे रुक करते हुए आपको बता दूं प्रियंका से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो सोनिया गांधी के घर पहुंची है प्रियंका, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 12 बजे शुरू होगा प्रियंका का मेगा शो और पहुंच चुकी है प्रियंका गांधी। प्रियंका से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सोनिया गांधी के घर पहुंची हैं प्रियंका गांधी और 12 बजे के लगभग रोड शो की शुरुआत होगी। तो कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, कितनी बड़ी चुनौती है ये समझा जाएगा क्योंकि लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं, पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार देखिए 12 बजे बताया जा रहा है कि ये मेगा शो शुरू होने वाला है और सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची हैं, तो बड़ी खबर। पहले इस पर आईके मिश्रा जी आपका रिएक्शन लूंगी, सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंची है प्रियंका। आप किसी चीज की शुभ शुरुआत करने जा रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों से मिल करके जाइए, तो मुझे लगता है कि इस भावना से ओतप्रोत होकर के वो एक तरीके से आशीर्वाद लेने के लिए गई होंगी, मिलने के लिए गई होंगी। इसका पर्पस यही ये भी समझेगी कि सोनिया गांधी संन्यास लेने जा रही है? नहीं, वो मैंने आपको शुरू में ही बोला, देखिए मैंने बोला था कि 5 टास्क हैं जो कांग्रेस इससे करना चाहती है। सबसे पहला टास्क यही था कि सोनिया गांधी मे बी पॉसिबल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, ये होता है ना जैसे कि अपनी विरासत को सौंप देना घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, तो वो डेफिनेटली अब ये दोनों अगर इनके दोनों बच्चे जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर एक्टिव हो गए तो धीरे धीरे करके सोनिया गांधी शिफ्ट हो जाएंगी जो है,
और वो पीछे से जो गाइडलाइन देना होगा ये भी एक टास्क है कि कैसे करके अब कांग्रेस की कमान नए लोगों के हाथ में दिया जाए, क्योंकि उम्र भी हो चली है। देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने भी तो यही किया, धीरे धीरे अखिलेश यादव जी को दिया, लालू प्रसाद यादव जी ने भी प्लांड तरीके से अपने लड़कों को राजनीति में जो है उनके पैर को जो है अच्छे तरीके से जमाया। तो ये अब एक परंपरा है राजनीतिक पार्टियों में, तो सारे लोग चाहेंगे कि भाई हमारे बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन हो, उसको अपने आप के सामने ही लोग उसको एस्टेब्लिश कर देना चाहते हैं। मनोज जी किस तरह से इसको ले रहे हैं, अगर सोनिया गांधी मान लीजिए संन्यास ले लेती है, क्योंकि अब तो उनकी बेटी और बेटा दोनों ही राजनीति में आ चुके हैं, एक महासचिव है एक अध्यक्ष है, जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है, पार्टी की कमान जो है उनके पास आ चुकी है, किस तरह से ले रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो इसको बता रही है कि भाई किस तरह से आपने अपने जो बच्चे हैं उनको फिर से प्रोजेक्ट कर दिया गया है, परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, आप लोग किस तरह से ले रहे हैं इसको? देखिए मैं इस पे बहुत तीखी बात नहीं बीजेपी को कहना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वही लोग परिवारवाद पे बात और प्रश्न खड़े कर रहे हैं। जिन लोगों का अपना कोई मेरे ख्याल से राजनीतिक विरासत जिनके पास देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, बाकी जो है जी भी सुनिए सर, अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह के बेटे हैं, यहाँ पर भी परिवारवाद का आरोप लग रहा है। एक ही विषय जी को सवाल करना चाहिए सर, यहाँ पर आपके ऊपर भी तो आरोप लग रहा है ना, ये भी तो समझिए, मुलायम सिंह के बाद जो जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ रही है वो अखिलेश यादव को, तो आरोप तो यहाँ पे भी लगेगा। तो नैंसी जी लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है, अगर किसी को जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी जाती है तो इसके बाद तो जनता को ही चुनना है ना, जनता को एक्सेप्ट करना है उस व्यक्ति के नेतृत्व में चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, नेतृत्व स्वीकार होगा नहीं होगा, इस बात को भी तो समझिए। तो ये बात कहना गलत है, ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए चुने जाते हैं। क्या स्मृति ईरानी जी अब प्रियंका जी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगी, ये बीजेपी के लोग जरूर बताएं। जी प्रदीप बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्हें लगेगा बिल्कुल अमेठी से लड़ेंगी चुनाव में, ये भी क्लियर कर दूं, अगर उन्हें लड़ना है बिल्कुल लड़ेंगी, जहां से उनका अच्छा लगे सुल्तानपुर से लड़े या वो अमेठी से लड़े बिल्कुल लड़ेंगी। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, रामगोपाल जी कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने, दिखते नहीं है क्या उन्हें भी आपने मुलायम सिंह निकाल के छोड़ दिया? आज आपने करा क्या, आज सारे चाचा निकाल के आपने एक्साइट कर दिया, बहुत सारे और सवालों के साथ वापस आऊंगी आप लोगों से चर्चा करूंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी अब यहाँ पर सामने चुनावी मैदान पर आ चुकी है।